Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you don't know me, hi, my name is Vanshika and I create fashion, food, lifestyle and all the digital content. तो आज हम आ गए हैं बहुत ही सुंदर सी जगह जो कि साल में सिर्फ एक बार लगती है एंड दैट इज मुगल गार्डन एट आवर वेरी ओन राष्ट्रपति भवन. सबसे पहली बात तो अगर आप मेट्रो से मुगल गार्डन जाना चाहते हैं तो द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन. मुगल गार्डन की बुकिंग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन हो रही है और मैं वो उस वेबसाइट मेंशन कर दूंगी जिसके थ्रू हो रही है. एंट्री गेट नंबर 35 से मिल रही है एंड सिर्फ उन्हें ही मिल रही है जिनके पास मुगल गार्डन का पास हो. एंट्री करने के बाद सबसे पहले आपको इस पैसेज से पास होना होगा और उसके बाद आप अपने पहले गार्डन तक पहुँचेंगे. लोकेशन 1. सबसे पहला गार्डन जो कि हमने कवर करा वो है हमारा हर्बल गार्डन, जिसमें हमने स्पॉट करे काफ़ी सारे मेडिसिन प्लांट्स लाइक बेजिल, तुलसी एंड ऑफ कोर्स सम लेमन ग्रास एंड कैमोमाइल. मुगल गार्डन अभी फिलहाल 16 मार्च तक ही ओपन है एंड इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो है सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक. एनथॉलमेंट. लोकेशन 2. नेक्स्ट गार्डन जो कि हमने कवर करा वो है बॉन्साई गार्डन. इस गार्डन के अंदर जाके मैंने स्पॉट करे काफ़ी सारे प्यारे प्यारे बॉन्साई के छोटे छोटे ट्रीज एंड बॉन्साई के नाम सुनते ही मुझे दो ही चीज़ें याद आती हैं. पहला तो है जापान एंड सेकंड चीज़ मुझे याद आती है वो है सॉटी मूवी यानी कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी. उसमें उस मूवी के डीन को बॉन्साई से बहुत ज़्यादा प्यार था. राइट, सो दिस इज़ द बॉन्साई गार्डन. Location 3. So the third garden is a musical garden. इसमें जो fountains होते हैं ना वो music की rhythm पर dance करते हैं. And of course, meet garden का सबसे सुंदर फूल my mama. Location 4. So finally, अब हम गेस्ट्स का मेन गार्डन में स्वागत किया जा रहा है जो कि है हमारा राष्ट्रपति भवन का मेन गार्डन एंड ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर था एंड इट वॉज़ वेरी वेल मेंटेन्ड. लाइक इतना प्यारा फील हो रहा था मुझे वहाँ पे टॉवल्स मार के बैक शॉट्स देखे. आई वॉज जस्ट लविंग इट एंड आई वॉज फुल्ली मेस्मराइज्ड इन द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गार्डन. है यहाँ का पूरा फ्लावर गार्डन जो कि राष्ट्रपति भवन के सामने है. यहाँ पर काफ़ी सुंदर तरीके से सारे फ्लावर्स को अरेंज करा हुआ है. सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल. पूरे गार्डन में एक सिमेट्री थी एंड हाँ, शायद मैं आप लोगों को बताना भूल गई, पर अंदर कोई भी एटेबल अलाउड नहीं है, ना ही कोई कैमरा अलाउड है, हालांकि मोबाइल फोन से अलाउड. लोकेशन 6. मेन गार्डन से नीचे उतरते ही सबसे पहली चीज जो कि आपको देखने को मिलेगी वो है बेड ऑफ रोजेस एंड वो भी सिर्फ रेड कलर की रोज नहीं, पिंक रोजेस, व्हाइट रोजेस, इवन आवर फेवरेट रेड रोजेस, येलो रोजेस एंड ऑफ कोर्स पर्पल रोजेस. काफ़ी सुंदर सुंदर कलर थे. इस वीडियो में मैं तीन ही कलर्स रिकॉर्ड कर पाई. दिस इज द ब्यूटीफुल रोज गार्डन एंड इट्स वेरी प्रीटी एंड अ प्लेस यू मस्ट विजिट बिकॉज एक साल में सिर्फ एक बार लगता है. डोंट मिस दिस चांस एंड ऑफ कोर्स इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. लोकेशन 7. द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग हियर इज दिस सर्कुलर गार्डन जिसमें पूरा सर्कल बना हुआ है फुल ऑफ फ्लावर्स लाइक दिस एंड बहुत ज़्यादा सुंदर है. वेरी प्रीटी, ऐसा लगता है मैं एक ड्रीम लैंड में आ गई हूँ. वो मुगल गार्डन से इंस्पायर हो कि मैंने कुछ अपना आउटफिट पहना हुआ है आज, मेरे इयररिंग्स एंड मेरा मल्टी कलर का ड्रेस ऑफ कोर्स. आप लोगों ने तो मुगल गार्डन का पूरा वर्चुअल टूर मेरे साथ ही कर लिया. बस बदले में मेरे इतना कर दीजिए कि इस वीडियो को लाइक करके जरूर छोड़िएगा.
दिस इज द एंड ऑफ दिस ब्लॉग. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अभी के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा.